और मुझे देखते वो भाग गई थी। ऑब्वियसली मुझे उस टाइम कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ हो सकता है, बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई एम श्योर कि वो मेडी कुछ तो कुछ क्या कुड बी द रीजन। या फिर वही काम वाली भाई और उसका पति अचानक से गायब कहाँ हो गए। आधे से ज्यादा इंडिया का यही प्रॉब्लम है, मतलब ये बाइयां होती ही ऐसी है, गायब ही हो जाती है, मिलती ही नहीं है। आई मीन सॉरी बट सच तो यही है ना। आइडिया, तुम लोग ना मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो। सच्ची बोल रही हूँ, बहुत मजा आएगा। बाय गॉड, ऑफ कोर्स तू हमारे गैंग में ऑलरेडी शामिल है। एंड यू नो व्हाट, ये टच ने एडवेंचर अधूरा है तेरे बिना। रियली रियली सिंपल। वो आदमी, ओ भाई साहब, कल जब पुलिस के साथ आए थे आप ही ने कहा था ना कि शांता भाई और उसका हस्बैंड यहाँ नहीं रहता। माफ करना साहब, कल थोड़ी ज्यादा हो गई थी। मतलब शांता भाई और उसका हस्बैंड यही रहता है? हाँ साहब, यहीं रहते, लेकिन अब कहाँ है पता नहीं। परसों रात भर बहुत झगड़ा हुआ दोनों का, मैं बगल में ही रहता हूँ, सब सुना मैंने। कल रात को इतना शोर मचा कि मैंने कल दिन में ही पी ली और सो गया। तभी वो कल आपसे थोड़ी। इसका मतलब हम लोग सही ट्रैक पे हैं। ये शांता भाई उसका हस्बैंड इस वक्त कहाँ मिलेगा? वॉचमैन के अकॉर्डिंग शांता भाई के पति इसी बार में मिलेगा ना? जगह तो यही बताई थी। राइट, लेट्स गो देन, अंदर चलते हैं और पकड़ के लाते हैं साले को। यूवी, आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये काम पुलिस का है। वाओ, ब्रिलियंट आइडिया। कौन तुम दोनों तो अंदर जाओगे ही जाओगे, साथ में मुझे भी लेके जाओगे। सुपर। ओके, प्लान क्या है? अब क्या हुआ, निकल गई हवा। पहले तो बड़ा शाना बन रहा था, पुलिस को बुलाओ। बेटा लूथरा से ना पंगा मत लेना, इसका दिमाग चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलता है, समझा? ओके, यू नो व्हाट, आई एम डैम श्योर कि पल्लवी का मर्डर शांता भाई और उसके हस्बैंड रघु ने मिलके करे। बिकॉज जहां तक मुझे याद है, उस दिन जब पल्लवी अपनी डेथ फेक कर रही थी, उसने अपनी ब्राइडल ज्वेलरी बाहर निकाल के रखी थी, और जब उसकी डेथ हुई, जब उसका मर्डर हुआ, तो ज्वेलरी वहां पे नहीं थी। एंड पुलिस ने भी चोरी का केस नहीं बनाया था, क्योंकि तब तक शांता भाई और रघु कांड करके भाग गए। और हाँ, आई थिंक जो रघु और शांता भाई के पास पल्लवी की ज्वेलरी की थी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। कुंजन ट्विंकल, तुम दोनों यहां पे वेट करो, मैं और सिंपल जाके अंदर उस बंदे का बैंड बजा के आते हैं। ओके ओके, थैंक गॉड सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। आई नो, बहुत मजा आया, लेकिन जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ बिताया ना, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अरे नहीं नहीं, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, यू रियली हेल्प मी आउट। यू नो, अगर तुम नहीं होती ना, तो गॉड नोज मेरा क्या होता। आई मीन यू रियली ऑसम एज अ फ्रेंड, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। रियली? अच्छा वैसे अब घर चले, घर पर सब काफी स्ट्रेस में होंगे। या लेट्स गो। अब घर? हाँ घर, लेकिन ओह आई नो, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर स्टे कर सकती हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम्हारे घर? तेरे घर? मैं मतलब सिंपल ने मेरा बहुत साथ दिया ना, अमी तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ सिंपल के लिए। रियली? आई मीन दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट तुम लोग भी मेरे साथ मेरे घर चलो, लेट्स कॉल एवरीवन, लीला माँ, मनोहर अंकल, बेबे। मैं चाहता हूँ कि ये जो दुश्मनी हमारे सालों की थी ना, मैं चाहता हूँ बैठ के खत्म कर दें वंस एंड फॉर ऑल। तुम लोग दुश्मन हो? पर
तुम जैसे सब लड़ रहे थे ना एक दूसरे के लिए, मतलब मरे जा रहे थे एक दूसरे के लिए, वो देख के लगता नहीं है कि तुम लोग दुश्मन हो? रियली? मैंने कहा था ना, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। वैसे भी पुराने रिश्ते छोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने में जितना मजा आता है ना, इट्स वेरी एक्साइटिंग। हाँ, इट्स एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। यस, लेट्स गो। चंगा मुंडा, तुम दोनों की जोड़ी सुपर हिट लगेगी। पुत्र, मैं टोनी सिंह, अ सिंपल का बाउजी। अब ये सारे फैमिली मेंबर्स का पर्सनालिटीज के ऑपोजिट क्यों है यार, समझ नहीं आ रहा। हमें तो जमाई जी की फोटो देखते ही पसंद आ गई थी। ग्रेट चॉइस। हाँ, उत्तर निकल, चुप क्या? तू शादी तो करेगा ना, धोखा तो नहीं देगा? ओए, तू शादी नहीं करेगा ना तो तुम्हें हम एक मिनट, ये आपकी बेटी से शादी? आंटी, आंटी गेस्ट आए हैं, आप हाय हेलो कीजिए ना अपने गेस्ट से। लीला माँ। हाँ। आप मेहमानों को घर लेके चलिए ना, हम बस अभी आते हैं। हाँ, कोई गल नहीं पुत्र, मैं संभाल लूंगी। आ जाइए, आइए, आप सब मेरे नाल आइए। चलो, आइए, आइए। थैंक गॉड, फाइनली मेरा बेटा ट्विंकल को छोड़कर किसी और लड़की पर ध्यान तो दे रहा है। वाहे गुरु जी दा लख लख शुक्र है कि तेरे मुंडे ने मेरी बेटी का पीछा तो छोड़ा। सीरियसली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भूत सवार था उसके सर पर ट्विंकल का। अरे, हाथ धो के पीछे पड़ गया था मेरी कुड़ी का। ओफो, अब तो आप दोनों अपना टेंशन खत्म कर दो, इतना सब कुछ हो गया है। और आपने देखा कि यूवी कैसे सिंपल के लिए कुछ फील कर रहा है, लेकिन उसे रियलाइज नहीं हो पा रहा है, और सिंपल भी उसे रियलाइज नहीं कर पा रही है। एक्चुअली आई लाइक द आइडिया ऑफ यूवी एंड सिंपल, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, मैड फंकी फुल ऑफ लाइफ। हमें उन दोनों को मिलाना होगा, लेकिन उसके लिए आप दोनों को हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर मुझे अपने बेटे की खुशी के लिए अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े, आई डोंट रियली माइंड। ठीक है, अगर ऐसा करने से मेरी ट्विंकल को शांति और खुशी मिलती है तो मैं भी ये करने को तैयार हूं। यूवी, अब सिंपल ठीक है ना? क्या मॉम, बस थोड़ी घबराई हुई है। बट मॉम प्लीज, इसमें सिंपल की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। उसकी फैमिली को मेरी फोटो भेजने का आइडिया मेरा था, एंड आई हैड नो आइडिया कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। तो सिंपल है ना, शी इज वेरी क्यूट, इनोसेंट, इंटेलिजेंट। हाँ, बोलती थोड़ा ज्यादा है, पर जब बोलती है ना, शी रियली मेक सेंस। यू नो, व्हेन शी गेट्स सीरियस, कंप्लीट सेंस। आई मीन मॉम प्लीज, अब उसे गलत मत समझिएगा। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। इनफैक्ट यूवी, मुझे सिंपल बहुत अच्छी लड़की लगी है। आई थिंक शी इज वेरी नाइस। रियली मॉम, आपको अच्छी लगती है? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई। अरे वाह यूवी, अब तो तुझे आंटी का भी अप्रूवल मिल गया। या सो तुझे सिंपल अच्छी लगती है ना, है ना? आई मीन शी इज अ नाइस गर्ल, सुंदर भी है, बोल बोल। हाँ, इंटेलिजेंट है, क्यूट है, जो दिल में है बस बोल दिया। सोचती नहीं है, एकदम ब्लंट है, और ब्रेव है, और बोल्ड भी। देख, उसने तेरा भी कितना साथ दिया है ना। क्या